इस जायरा का बर्थडे गिफ्ट है, देखो फुल फुल हानिया वसूल कर रही है। लोग बनाते हैं, लोग का चैनल आ चुका है तो आप लोग जाओ जाके सब्सक्राइब। और ये ले गाइस, हम लोग कपड़े ले चुके हैं। सो गाइस, एक ये है मेरा ड्रेस गाइस, ये मुझे कोलैबोरेशन के लिए आया था। तो देखो ये है गाइस गाउन, ये भाभी का है, सेम मेरा भी। हम हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। शेख सिस्टर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज, हम लोग की सहेली हो गई है अलहमदिल्ला। हम लोग ऐसे बैठे थे, ऐसे मजाक करते, मैं सहेली का ली नहीं, भूल गई क्योंकि टाइम कम था, तो हम लोग सहेली खाने में बिजी हो गए। तो मैं दिखाती हूँ हम लोग कौन कौन है। सो गाइज, इधर है समीर और इधर है भाभी और नमो लुढ़क गई खा के। और ये देखो यहाँ पे हम लोग खावा के प्लेट सरका कहा कि प्लेट सरका के बैठ गए। और गाइज, आज 5:20 की सहरी का टाइम है और यहाँ पे मैंने बात करते करते एक घुट मार ली, बट एक दो मिनट आगे वो तो मैंने भूल से पी गई, ऐसा कुछ नहीं, चलते हैं ना। हाँ, अभी हम लोग बैठे हैं, उसके बाद देखते क्या करते हैं, देखते क्या लुढ़क जाएंगे सब एक एक करके। नई नमाज वगैरह पढ़ेंगे, फिर सब सो जाएंगे, उसके बाद मिलते हैं आप लोग से डायरेक्ट, सुबह ही मिलेंगे। अब तो लुढ़क ही जाएंगे सब, बहुत नींद आ रही है। फिर मिलते हैं आप लोग को डायरेक्ट सुबह, दोपहर जोहर में मिलेंगे। सो गाइस, जायरा का बर्थडे गिफ्ट है, देखो फुल फुल हानिया वसूल कर रही है। हानिया क्या कर रही बेटा, क्या कर रही है? ABCD लिख रही है, ऐसा ABCD। देखो कितना समझता है, कितना समझता है पूछने का, कितना समझता है। हाँ, ABCD लिखो, ABCD बोलो। अभी आई आयरा देखेगी ना, अब इसके हाथ से छीन लेंगी। ए दीदी का है ना, किसका है? आयरा का है ना। इधर देख, इधर देखे बोल, किसका है, किसका है? आया आया। हाँ, क्या लिख रहे तुम? किसका, किसकी पेंटिंग बना रही, किसकी पेंटिंग बना रही? है नी, हाय गाइस कर दे, है नी, हाय गाइस। ऐसो ना, है नी, बोल दे कैसे हो, है नी, है नी, कैसे हो? अच्छा अच्छा। ए पूछ कैसे हो, ऐसा पूछ, गाइस कैसे हो, ऐसा पूछ। हनीज बोल, बोल आ जाओ, बोल आ जाओ, हनु बोल आ जाओ। हाँ हाँ, अरे नहीं, हाँ नहीं, इधर नहीं लिखते, इधर बोर्ड पे लिखते, बोर्ड पे लिखते। गाइस, मैंने कैमरा बंद करी तो मेरे को बोलती वापस से चालू करो और दिखाओ अम्मा। हाँ नहीं, हम लोग जा रहे मीरा रोड, अतने हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जाने का, मैं जाऊँ, मैं मीरा रोड जाऊँ, मैं जाऊँ मीरा रोड, क्यों हम लोग जा रहे? नहीं। चल नानी तैयार हो, चल निकलेंगे, रिक्शा वाले को बुला, हम लोग जा रहे, हनी को छोड़ के जा रहे, नहीं जाऊँ आई बी एक आ गया। अरे वहाँ का ढूंढ रही, ए नीचे का ढूंढ रही, पगलो ए ढूंढ रही है, बोली एक आ गया तो नीचे ढूंढ रही है। उससे क्यों मिटा रही, इससे मिटा ना, बड़े वाले से, है नहीं बड़े वाले से, इससे मिटा। हाँ हने, ये क्या है? हाँ क्या है, इधर देख के बोल। हाँ, क्या है, क्या है, ये क्या है, ये क्या है? फिश, इधर देख, फिश। सो गाइस, ये देखो ये पूरा बोट ऐसी, मैं जा रही हूँ अभी नहाने, चल टाटा टाटा कर दे, टाटा कर दे, अच्छा टाटा कर दे सबको, अच्छा गाइस को हाय गाइस, टाटा। अभी आप लोग निकल रहे मनोरी से, बज रहे हैं पौने, तो अभी निकल रहे हैं। और नमो और समीर एक्टिवा से आएंगे, तो लोग पीछे से आ रहे हैं, हम लोग मैं और नानी जा रहे हैं रिक्शे से। बाय 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 गाइस, हनी बोल बाय गाइस, बाय गाइस, हक गाइस, हक गाइस, अल्लाह हाफिज़।
व्लॉगिंग बनाते रहे, करते रहना, व्लॉगिंग करते रहना, व्लॉग बनाते रहना। लोग का चैनल आ चुका है तो आप लोग जाओ जाके सब्सक्राइब। और ये लेट लतीफ अभी उठी है, अभी आई है आराम से, हम लोग जा रहे हैं। आयरा एंड नमी सॉरी हानिया व्लॉग सब जगह नमीरा। चलो भाभी अल्लाह हाफिज़। मीरा के नाम से भाई कैसा बैठे थे। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हमारे मीरा रोड। माशाल्लाह मीरा रोड में पहुंचो तो इतना अच्छा लगता है वो रौनक मीरा रोड। हम लोग आए मनोरी से, कुछ कितना बज गया था, 2:30 बज गया था। आए नमाज़ पढ़े सॉरी नहाई मैं आपके साथ, क्योंकि बहुत उलझन होती, मैं वहाँ नहाई नहीं। ये ड्रेस में लेके गई थी बर्थडे में पहनने आए रखे, बट नहीं हुआ, नहीं पहने। फिर हम लोग क्या बोलते रहे आ गए ऐसी, मैं आके घर पे नहाई, नहा के मैं ऐसा अच्छा लग रहा है, फ्रेश फील हो रहा है। सबसे पहले मैं नमाज अदा करूँगी, नमाज अदा करके फिर मैं पारा लेके बैठूँगी। आज पूरा दिन पारा हुआ नहीं है अभी, और आज का ही सहरी सहरी होती है। उफ्तारी का कुछ झंझट नहीं है, हम भी मना करें क्योंकि मैं थकी हूँ, कल बहुत थक गई थी भाभी क्या, तो आज मेरा कुछ काम नहीं है। सब मतलब बाहर से आएगी इफ्तारी भी, और खाना भी नानी बनाएंगे, दाल चावल ये कुछ बनाने नहीं है, आज सादा खाना रहेगा। तो फिर अभी जो भी इफ्तारी आएगी आप लोग को बताएंगे। तो गाइस मैं ड्रेस की बात करी थी, अम्मी लाए, कहाँ से लाए अम्मी तुमने? बोरीवली से लाए, रेडीमेड है, मस्त कंफर्टेबल है। तो मैं ये बर्थडे में लेके गई थी पहनने, नहीं पहनी, आज पहन दी घर पे। और ये दुपट्टे की बात कर रहे थे गाइस सब जन, तो ये नमाज का दुपट्टा, ये मैं ओढ़ती हूँ तो इसलिए ये नमाज दिन भर पारा पारा हूँ, पारा कुरान शरीफ रहता है तो ये दुपट्टा रहता ही। ड्रेस का दुपट्टा मैं लेना भूल जाती हूँ, सो इसलिए गाइस नमाज हो गई, मैं आराम कर रही थी, लेटी पड़ी थी। चलो अभी गाइस फटाफट फ्रूट कट कर लेते हैं, ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, 6:30 हो गया है, फ्रूट वगैरह कट कर लेते हैं। हाँ आ रही हूँ। और नम्मो और समीर आए तो लोग अपने घर पे चले गए थे, उन लोगों को नहाना धोने का था क्योंकि यहाँ पानी का इस दिया नहीं, आज पानी एकदम कम है, सुबह में पानी भी नहीं भरे कुछ ला। हाँ तो गाइस नम्मो और समीर नीचे है तो वो लोग अभी आ रहे हैं अभी यहीं पर। तो वो लोग को मम्मी ने बोले इफ्तारी लाने, वो लोग जब यहाँ से जा रहे थे तो उन लोग को बोल दिए थे, तो अभी लोग आ रहे हैं इफ्तारी लेके, जब तक मैं फ्रूट कट कर देती हूँ। यहाँ पे फ्रूट्स निकाल ली, ये खरबूजा कलिंगड़ और यहाँ पे शरबत बन गया। अरे अम्मी मस्त एकदम दूध वाला बना, बिना पानी का ना अम्मी। अब इसमें थोड़ा काजू बादाम डाल देंगे मस्त, हम लोग को ये वाला शरबत बहुत पसंद है। अम्मी रो अफ्जा ज्यादा डालो, नाली एकदम मीठा हो गया है। तो गाइस देखो लाई नानचा मेरा फेवरेट है, और फ्रूट्स आज इतनी चिंतारी कम क्योंकि मैं बनाई नहीं कुछ चटनी। चलो बैठो देना। और यह अनानास, बस अनानास ही खाते हम लोग शौक से, और कुछ फ्रूट इतना खाते नहीं। अभी हम लोग आए हैं कपड़े लेने के लिए इफ्तार करके, हम लोग थोड़ा मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो अभी हम लोग आ गए नीचे, बहुत दिनों बाद मैं नीचे उतरी हूँ। तो अभी हम लोग ईद के लिए कपड़े ऐसी मटेरियल लेके सिलाएंगे, तो अभी देखते क्या लेते। देखो तो हम लोग कपड़े ले चुके हैं गाइस, अभी हम लोग कपड़े ले चुके, अभी जा रहे हैं टेलर के पास, टेलर वाली के पास कपड़े देंगे फिर हम लोग घर जाएंगे। नम्मो का नहीं मिला कपड़ा, अरे नम्मो का दुपट्टा ही थैली में था नहीं, जो अजमेर से दुपट्टे लाए उसी के ऊपर हम लोग ड्रेस बना रहे हैं ना अम्मी। हाँ ईद में वही पहनेंगे, तो फिर नम्मो का जो दुपट्टा ना मिस हो गया, घर पर ही रह गया, तो अब उसका कल आके लेके जाएंगे कपड़ा। अभी जा रहे टेलर के पास दिखा दें। इस टेलर के पास से भी हम लोग आ गए घर पे, और मैं खाना चालू कर दी, बहुत तेज़ भूख लगी थी। और आज बहुत दिन बाद हम लोग दाल चावल खा रहे, दाल चावल मेथी की भाजी कीमा डाल के, मज़ा आ रही खाने, आओ आप लोग भी खाने। तो गाइस खाना वाना हो चुका, खाना खा के मैं किचन साफ़ करी, पूरा किचन गंदा हुआ था, और सब कांच के बर्तन है जो कि बर्तन में डाल तो फूट जाते, इस वजह से मैं धो के रख दी उसको साइड में। अभी मैं बैठी हूँ, 1:45 हो रहा है गाइस। मनोरी में ना गाइस सुकून की नींद आती है, वहाँ पता है मैं 2 रात रुकी 2 रात से मैं 1 बजे सो जा रही थी, 1 बजे नींद आ ही जा रही थी वहाँ पर, और यहाँ नींद ही नहीं आती है, यहाँ सब लेट लेट होता है, वहाँ सब जल्दी हो जाता है। तो टेलर के पास से मैंने कपड़े लाई, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मेरे कपड़े। सो गाइज एक ये है मेरा ड्रेस गाइज, ये मुझे कोलेब्रेशन के लिए आया था, जो कि 3 महीने पहले मैंने दी थी आंटी को सिलने के लिए, जो अब मिल रहा है मेरे को। और एक ये ड्रेस है जो मैं हम लोग हैदराबाद गए थे तभी लिए थे वहाँ से एक ड्रेस, तो ये भी 3 महीने पहले ड्रेस दिए थे जो अब मिल रहा है। एक और गाउन है जो अभी कल मिलेगा, वो अभी तक दिए नहीं, बोलो 3 महीना हो गए कपड़े नहीं सी उन्होंने,
बड़ा रो रो के अभी कपड़े मिले हैं। और कैसे कपड़े जो थे हम लोग ने एक्चुअली मैंने दी थी, हम लोग को जब प्लान था कि हम लोग अजमेर जाएंगे तो वहाँ पहनने का था, तो उससे पहले हम लोग दे चुके थे 3 महीने पहले, तो अजमेर तो जाना हुआ नहीं, तो अभी आए हैं कपड़े। तो अभी घर में नहीं, अभी बड़ी रात आएगी, जो भी आएगा तो पहन लेंगे, कुछ भी किसी के यहाँ फंक्शन रहेगा तो फिर पहने जाएगा। अभी गाउन आएगा तो गाउन देखना आप, तो गाउन जो आपने देखे रहेंगे नमीरा के ब्लॉग में, नमीरा ने पहनी थी गाउन, उसका वाइट कलर में हम मेरा और भाभी का सेम है ग्रे। भाभी का बताती हूँ मैं आपको, भाभी का जो है वैसा ही सेम मेरा है। तो देखो ये है गाइस गाउन, ये भाभी का है सेम मेरा भी, हम मेरा और भाभी का एकदम सेम है कलर वलर सब। तो भाभी का सिल चुका है, मेरा अभी तक कल शायद देंगे वो, तो मैं और भाभी इंशाल्लाह कुछ रहेगा तो साथ में पहनेंगे, मस्त लगेगा, है ना, अच्छा लग रहा है। भाभी का भी फुल गाउन है, मस्त है, फुल आस्तीन है, चून वाली आस्तीन है। ये देखो गाइस, तो आएगा तो पहनूंगी, मुझे वेट नहीं हो रहा है देखने का कैसी लगूंगी मैं गाउन में। तो माशाल्लाह हर कपड़े सूट होते हैं मुझ पर, मोटी हूँ फिर भी सब कपड़े सूट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो गाउन देखना है कैसा लगता है, तो फिर बस अब ये कपड़े रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से। सो गाइस मैंने सारे कपड़े चेक करके, मतलब पहन करके चेक करके देख ली, माशाल्लाह फिटिंग विटिंग सब परफेक्ट है, बहुत अच्छा से आंटी ने हमेशा अच्छा ही सीते, बस ये कि जल्दी देते नहीं है, बाकी कपड़े माशाल्लाह बहुत अच्छे सीते, एक नंबर फिटिंग उतारते, और कपड़े और मतलब दोनों ही कलर माशाल्लाह आंख पे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब मैं सोची थी ऐसे कुछ बड़ी रात आएगी बीच में तो पहन लूँगी, बट मैं नहीं पहनूँगी, एक जोड़ा सिर्फ पहनूँगी, बाकी मैं रख लूँगी, 2 जोड़ी है और एक कलर गाउन आ जाएगा, 3 जोड़ी हो जाएगा, और एक अभी ईद के लिए, ईद का जो ईद वाले दिन पहनने वाले हैं वो सीने के लिए हम लोग दे दिए आज, सिंपल है वो भी। हम लोग को गाइस ज़्यादा भरे वरे कपड़े, जर्दी वाले, क्या जरी मरी वाले कपड़े पसंद नहीं है, सिंपल कॉटन के डिसेंट सोबर अच्छे लगते हैं, तो वैसे ही पहनते हैं हम लोग। तो ईद में भी हम लोग सिंपल ही कपड़े पहनेंगे। तो हो गए हैं 4 जोड़ी माशाल्लाह, तो उसमें से 1 जोड़ी निकाल दूँगी मैं, कुछ बड़ी रात आई बीच में तो पहनूँगी, बाकी 3 जोड़ी मैं रख दूँगी बासी ईद बासी तिवासी के लिए, है ना। तो गाइज इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर।